काफी अच्छा मौका है कि बिहार जो है इन सारी चीजों को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए और सब लोग लगे हुए हैं और लगातार जो है हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि कई अलग अलग राज्यों की टीमें आई हैं और खासतौर पर ये टूर्नामेंट जो होता था वो बाहर हुआ करता था, बिहार में नहीं। और ये आईपीएससी टूर्नामेंट्स वगैरह ये हम लोग खुद जो है खेल चुके हैं पहले, पब्लिक स्कूल इंटर कॉम्पिटिशन्स वगैरह ये सब होता था, तो इस सब में काफी अच्छा माहौल रहता है और स्कूल के टाइम से ही जो है टैलेंट को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को कि अपने टैलेंट को जो है लोगों के सामने ला पाए, जिससे आगे का क्रिकेट के लिए भी जो है बच्चों के लिए काफी सहूलियत रहती है, लोगों के नजर में आ रही है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी आप बिहार में होंगे, लगातार आप डेवलपमेंट हो रहे हैं? नहीं एकदम एकदम एकदम, हम लोग को तो देखिए हर जगह जो है काम करना है, चाहे खेलकूद हो या पढ़ाई लिखाई हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या किसान की बातें हो, हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की हर एक पहलुओं को देखते हुए हर जगह हम लोग विकास कर रहे हैं। अब बिहार में जो है माहौल बदल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। खेल को बढ़ावा दे रहे हैं आप, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी आप लोग मेडल लाएगा, नॉकआउट आएगा, जो पहले कला संस्कृति विभाग में पहले जो खेल था उसको अलग करके खेल के डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया, इसी वजह से ताकि हम स्पोर्ट्स को जो है अच्छे से प्रायोरिटी देने का काम करें, अच्छे से सारी चीजें जो है देखें। बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हैं, उन लोगों को मौका मिल रहा है देश भर के हर टीमों से खेलने का, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या रणजी ट्रॉफी लेवल पे हो, और जल्दी विश्वास रखिए बिहार की जनता को इतना हम जरूर कहेंगे कि आने वाले दिनों में जब स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि अभी रणजी ट्रॉफी चल रहा है, काम शुरू हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी ही जो है आईपीएल टूर्नामेंट और इंटरनेशनल मैचेस, इंडिया के मैचेस भी हम लोग कराएंगे।